सोलन में भारतीय जनता पार्टी ने माल रोड पर विधानसभा चुनावों को लेकर प्रचार प्रसार के लिए अपना चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। कार्यालय का शुभारंभ सांसद वीरेंद्र कश्यप द्वारा किया गया। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एकजुट होकर चुनावी जंग में जीत हासिल करने के प्रति प्रेरित किया। इस मौके पर कार्यालय में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कश्यप सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं का भारी हजूम देखने को मिला। इस मौके पर डॉक्टर राजेश कश्यप ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा सोलन क्षेत्र के विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ नाम की पट्टिका लगाने तक ही विकास सीमित हो गया, जबकि सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने के पैसा नहीं है तो इन उद्घाटनों का पैसा कहां से आएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक सहित सरकार भी सोलन के विकास और मूलभूत सुविधाएं देने में नाकाम रही है। अधिकतर लोग जिनमें भाजपाई भी शामिल हैं, वे अपने प्रत्याशी का चेहरा देखने को आ रहे थे, क्योंकि राजेश कश्यप राजनीति का कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं है। केवल चुनावी मौसम में वे सीधा टिकट लेकर जंग उतरने आ गए हैं। सारे प्रदेश में कांग्रेस के जितने भी नेता है, चाहे वो यहाँ के लोकल नेता भी थे, उन्होंने जो है एक पट्टिका इसी लगा रहे हैं हर जगह, और पैसा तो बिल्कुल प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, क्योंकि पट्टिका लगाने से कोई फायदा नहीं होता। लोगों का जो है बेवकूफ बनाने वाली बात है। जब तक पैसा ही नहीं है, गवर्नमेंट इस वक्त एचपी हमारे हिमाचल की जो गवर्नमेंट है उस पर 50,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, तो उनसे जनता को ये पूछना चाहिए, जितने भी हमारे मंत्री है एमएलए जो ये लगा रहे हैं पट्टिका है, उनसे पूछें कि ये पैसा कहां से आएगा। पैसा तो है ही नहीं है, इनको अपने इम्प्लॉइज को देने के लिए पैसा नहीं है, तो किस तरह से ये पट्टिका लगा रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से पैसा लाएंगे और कहां से ये रेज करेंगे इतना सारा फंड।